बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम टंडन ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जिसमें श्याम टंडन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोट का मतदान हमें सोच समझकर करना चाहिए। आज भाजपा और कांग्रेस जनता को ठगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सब प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके जाल में फंसना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग अपनी हार को देखते हुए घबरा गए हैं, इसलिए लोगों पर वोट का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बीएसपी बिलाईगढ़ में एक तरफा जीत हासिल कर रही है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा। हमारे साथ है बीएसपी के प्रत्याशी श्री श्यामलाल टंडन। आज उनसे खास मुलाकात में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ आपके जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव आपने सुना? वैसे तो मैं इस क्षेत्र से विगत 2013 से परिचित हूँ, 2013 से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया हूँ, और आज बड़े पैमाने पे हमारे विधायक और विधानसभा में हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और बड़े पैमाने पर हमारे मतदाता जो हैं वो मुझसे परिचित हैं, वो मेरे विचारों से भली भांति अवगत है, और इसलिए आज बड़े पैमाने पर बड़े सैलाब के साथ पूरे हर एक गांव के लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे पीछे चल रहे हैं। भैया, वे कांग्रेस के प्रत्याशी है और तमाम लोग सरकार कब्जा पा रहे हैं, क्या लगता है कैसा है टक्कर आपके साथ होगा? देखिए, कांग्रेस के सरकार से पूरे लोग दुखी हैं, खास करके गरीब किसान मजदूर लोग तो दुखी हैं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था पिछले चुनाव का, वो टोटल गरीबों के जो हित में इन लोग घोषणा किए थे, लेकिन बहुत सारे घोषणा तो इन लोग पूरा नहीं किए। आज वर्तमान में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो पुनः लोगों को वोट ठगने का एक ये है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में 82,125 करोड़ का खुद सरकार कर्जे में है, और किसानों को कर्जा माफ़ करने का लोग जरूर बात करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद अक्सर सरकार किसानों के साथ कूटनीति किया जाता है, जैसे उनका रकबा खतरा होता है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा मैंने पश्चिम का अपना मुद्दा उठा रही थी, शराबबंदी करेंगे, गंगा जल की आपकी सरकार बनती है तो आप क्या शराबबंदी करेंगे? निश्चित रूप से शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो स्वयं उसमें प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आज चाहे वो रमन सिंह की सरकार, पहले शराब भट्टी ठेके में चलता था, उसको शासकीकरण किया गया, और बड़े पैमाने पे कांग्रेस की सरकार ने शराब भट्टी में कांग्रेसी दारू भी बेचा और शासकीय दारू भी बेचा, इसका परिणाम बड़े पैमाने पे शराब घोटाले के नाम पर आज आगे चलकर उनका चार जाँच होता है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार को शराब के घोटाले में फंसा है। लगातार अभी भाजपा के बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं और भाजपा के वोटर भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको काफ़ी जो भाजपा का अध्यक्ष हैं वो कितना टक्कर देगा? भाजपा के पूरे कार्यकाल को लोग संचित है, 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदिवासियों ने जो जर्सी गाय देने की बात किया है उसमें धोखा हुआ, किसानों के साथ बोनस देने का घोषणा हुआ उसमें भी धोखा किए, और तीसरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पर गरीब महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड वितरण किए और उसको फिर पुनः सत्यापन के नाम पर वापस ले लिए, क्योंकि मुख्य वादे को तो लोग पहचान लिए हैं। कांग्रेस के जल्दा जल का एक बार यकीन करके पिछले 2018 में किसानों ने धोखा खाया है, लेकिन आने वाले समय में इस कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है वो एक मजाक बन गया। भैया, आप लोग के द्वारा कोई मैनिफेस्टो जारी की गई है, उसमें क्या है? निश्चित रूप से हमारी घोषणा नहीं, हमारी प्राथमिकताएँ हैं, हमारा सोच है कि बीएसपी की सरकार बने तो बीएसपी की सरकार सब किसानों को उचित मूल्य में 4,000 रुपये में उनका धान मिलना चाहिए, और निःशुल्क किसानों के गरीबों के परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, सब गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हो, और ख़ास करके बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधा हो। आज पूरे बेरोजगार छत्तीसगढ़ के किसानों के परिवार जो है बेरोजगारी का बेरोजगार है, और बेरोजगारी होने के कारण गरीबी रेखा से
जीवन यापन जीना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का जो योजना चल रहा है वो सिर्फ एक छलावा है, चाहे वो शौचालय निर्माण हो चाहे नल जल योजना हो, ये कहीं लंबा चलने वाला नहीं है। आज भी चाहे मूल्य में 4,000 रुपये में उनका धान मिलना चाहिए और निःशुल्क किसानों के गरीबों के परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। सब गांव में सड़क बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हो और ख़ास करके बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधा हो। आज पूरे बेरोजगार छत्तीसगढ़ के किसानों के परिवार जो है बेरोजगार है और बेरोजगारी होने के कारण गरीबी रेखा से जीवन यापन जीना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का जो योजना चल रहा है वो सिर्फ एक छलावा है, चाहे वो शौचालय निर्माण हो चाहे नल जल योजना हो, ये कहीं लंबा चलने वाला नहीं है। आज भी चाहे वो शौचालय का हो, आवास योजना की बात है तो आवास योजना में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार था तो उस समय उन्होंने गरीबों को आवास के लिए जो योजना निकाले उस जमाने में बहन जी के शासनकाल में 2007 में उन्होंने 2.5 लाख रुपये दिया था, लेकिन अभी वर्तमान में 1,20,000 रुपये में कोई भी गरीबों का मकान नहीं बन पाया। तो इसलिए आज गरीब को आवास दिया भी जा रहा है तो उससे उनका कर्जा करके या स्वयं के लागत से उनको बनवाना पड़ रहा है। उसमें लोगों को प्राथमिकताएँ के तौर पर जो है उनको कल अजीत जोगी जी का अमित जोगी जी का वहाँ पर सवाल कर फॉर्म कर उनका कहना है 10 कदम गरीबी खत्म, शायद आपने उनका मेडल बच्चा देखा कि नहीं देखा, लोग उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, स्टाम पेपर में वो घोषणा पत्र छपवा दे रहा है कि मैं गरीबी हटा दूंगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहने से नहीं होगा, करने के लिए दिन चाहिए। जोगी जी भी 3 साल उनको सरकार बनाने का मौका मिला, जरूर कुछ ये है, लेकिन करने वाली सरकार होगा तो निश्चित होगा। हमारे श्याम टंडन जी जिन्होंने कहा कि जितने भी पार्टियां अभी तक आई और लोगों को ठगने का ही काम किया, इस बार इनकी पार्टी जीतेगी, इनकी सरकार बनेगी, गरीब और किसानों के लिए जनहित का काम अच्छे से करेंगे, घर घर तक सुविधा पहुँचेगी। इसके लिए प्रकाश के साथ बोले न्याय।